यार बंद करो उसको भाई। मेरी बेटी का तो खबरदार, जो मेरी बेटी के ब्लॉग का जब तक ये वाइट नहीं होते तब तक मारूंगा आज। मम्मा ऐसे इतनी जोर से मारा है, सुबह से इतनी जोर। मैंने एक भी नहीं मारा इसको। चुप कर जा, तूने एक ही साल का सर निकाला था इसकी। खेलने से पहले सोचा मम्मा आविष्कार तेल लगा रही। चल क्या सेंटर में रख। हां सेंटर में देखो डगी भाई व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लिया हो जिन लोगों ने, उसके बाद वो मुझे भी ज्वाइन कर ले। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to another vlog. मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं और मैं सोच रही हूँ कि हम लोग चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ, उसको हम सरप्राइज भी देते हैं, साथ ही साथ में आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ। यस एंजॉय करते हैं। सो गाइज हम लोग बाहर आ गए हैं और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी है। कल तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। देखा हल्के हल्के हवा के झोंके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब मौसम अच्छा होता है तो मेरा मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे बताइएगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब मौसम बाहर बहुत खुशगवार होता है आपके अंदर का मौसम भी अच्छा हो जाता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज विद्या भी बहुत खुश फिर रही थी, शायद उसकी वजह भी यही है। बल्कि मैं आपको चुपके उसे मिलवाती हूँ। बाबा के फ्रेंड्स आए हुए हैं ना, जानो अजय बाबा। लेट्स गो बेबी, वी आर गोइंग। हाय एवरीवन, आइला। ये साइन किशन उन सब लोगों के लिए जो विदा को बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारी उसके लिए दुआएं करते हैं। आइला जी आपने अपना कोई सामान रखना तो रख ले, नाइट सूट वगैरह। अब मैं रहने अब्दुल्ला के घर तब जाऊंगी जब अब्दुल्ला मेरे घर आएगा। आपने कभी देखा है लास्ट टाइम? मेरे ख्याल कुछ साल हो गए यहाँ आए हुए अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला आता ही नहीं है, पता है यहाँ पे हम लोग ही जाते हैं उसे मिलने, इतना नवाब है वो। हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं। चलो अमृता। अमृता गाड़ी में शरारतें करती हुई, अरे हाथ निकाल दो ना। अच्छा बच्चे को आप किसी भी चीज़ से अगर मना करते हो ना इंटेंशनली, मैंने जो नोटिस किया है अपने एक्सपीरियंस से कि बेटा ऐसे नहीं करो, तो बेटा को होगा कि यार ये ऐसी चीज़ है कि ना मुझे टेंशन मिल रही है तो मैंने ये करना है, और बच्चा वो काम जानबूझ के करता है। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं, ऐसे करता ही है जो ऐसे करती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं विद्या को ना डाइवर्ट कर दूँ, उसका ध्यान कहीं और लगा दूँ। बाय द वे मुझे विद्या ने कल इतने जोर से नेल मारा यहाँ, टूटू या दुदू? दुदू ओके, दुदू भी ना ओके। सो गाइस वी आर होम। मैं अब बाबा को कॉल करूंगी ताकि अब्दुल्ला को शक ना हो कि हम लोग आए हैं, और हम उसके जब रूम के अंदर जाएंगे फिर हम उसको सरप्राइज देंगे। सो गाइस पिछले 5 मिनट से हम लोग घर के नीचे खड़े हुए हैं और बाबा को हम कॉल कर रहे हैं। आई गेस बाबा इज इन द वॉशरूम, और उनके लिटरली फ़ोन की जो रिंगिंग है ना वो हमें नीचे तक सुनाई दे रही है, लेकिन कोई खोलने नहीं आता। आप जरा करो बे। अच्छा शुक्र है बाबा ने फ़ोन उठाया और बाबा अब आ रहे हैं नीचे। बस विद्या ना हमारा भांडा फोड़ दे। विद्या की एक्साइटमेंट का लेवल भी बहुत ऊपर हुआ है क्योंकि वो बेबी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? कितने अरसे बाद मिले ना हम कुछ तकरीबन आधे घंटे में मिले हुए। बहुत लंबा अरसा है भाई। सर आप लोग किसके साथ आए? हम ऊबर पे आए तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। मुझे ये लग रहा है कि ये पापा के साथ ही आए और ये उस कमरे में बैठे। जी नहीं हम लोग ओ उल्टा उसकी शलवार कमीज तो देखे यार। और मॉस नींद कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे सरप्राइज दिन में कम से कम क्या कह रहे हो? लगा ऐसे सरप्राइज दिन में कम से कम 2 बार होना चाहिए। हाँ और दोनों दफा तुम घर ही ना हो, है ना? यही तो मैं चाहता हूँ। तुम आए और तुम जलील हो। जलील नहीं होंगी मैं, ठीक है? और वैसे भी मैं जान घर जाता हूँ और ये कभी भी घर नहीं होती। ऐसा नहीं होता, ऐसा कब हुआ है?
अच्छा ये कब आया घर मेरे? हाँ सच, मैं ब्लॉग में आज ये बता रही थी कि मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम मेरे घर नहीं आते हो, ठीक है? और जब भी मैं जब भी आई हूँ मिलने, मैं ही आई हूँ और सब गवाह है। मामा ये सच है कि नहीं? सच है ना? टोटल तीसरा चक्कर है इसका। नहीं, ऐसा नहीं। जी नहीं, हमेशा मैं ही आई हूँ जितनी भी दफा आई हूँ। तो अपने व्लॉग से गा के देखो तो पता चल जाएगा। नहीं मेरा शहजादा है, मैं अपने जान परेशान कर दिया उसको आते साथ, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। तुम्हारे अलावा मैं सबसे मिलने आई उस घर में। मैं मिलाऊं तेरे से? हाँ, मुझे जरूरत भी नहीं। कुछ फुफो आई है यार, तुम लोग क्या फिजूल चीजें देखते हो? ड्रोनी और बच्चों को भी डराते हो। मैंने भाई ये सीजन है, वे लोगों को ना बता के मैं इसको उर्दू डब में देख रहा हूँ। मैंने लोगों को ना, तुम कितने जाहिल उर्दू डब में देख रहे हो। बताया कि मैं इसको असल जापानीज में देखता हूँ। अच्छा, अब तो अब इतनी ही बात है कि तुम जापानीज कि तुमने ड्यूओलिंगो से जापानीज सीख लिया। आप जितने मर्जी सबटाइटल्स पढ़ लेना, आपको फील नहीं आती है ना? फील नहीं आती, यानी कि आप ऊपर देख रहे हो, नीचे आप सबटाइटल्स पढ़ रहे हो। इंग्लिश में हो या उर्दू की ऑप्शन है तो उर्दू हो बस। हाँ एग्जैक्टली, आई एग्री। मेरी जान का टोटा क्या फिर है मेरा बेटा, मेरा पाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने माशाल्लाह बोलने होंगे, बिग बिग माशाल्लाह। इजी कीजी को पापा को इसका बटन पता जा सकते हैं। वो ऐसे करते हैं माशाल्लाह। विरदा, ये जो 3 दिन से आपने बेबी का शोर डाला हुआ है, मिली आप इसे एक दफा भी नहीं हो आके। विरदा को सिर्फ 4 होता है, सिर्फ आयला के टॉयज का होता है कि बस टॉयज मुझे मिल जाएंगे, मैं खेलूंगी, नए नए टॉयज होंगे। दोनों ने ग्लासेस लगा लिए। इतना बोर कर रहे हैं ये लोग, मुझे इतना बोर कर रहे हैं। मैं अब्दुल्ला से कह रही हूँ मेरे साथ यसु पंजू खेलो यार, बंद करो उसको भाई। खबरदार जो मेरी बेटी के ब्लॉग को ज्वाइन कर लिया हो जिन लोगों ने, उसके बाद वो मुझे भी ज्वाइन कर ले। ओ काफिर, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी हम लोग गेम खेलने लगे। हाथ देख ले एक बार मेरा बचपन वाला। अगर तुमने मुझे जोर से मारा ना, मैं आहिस्ता ही मारूंगा, लेकिन मेरा बचपन वाला हाथ नहीं, अभी चेक कर ले एक बार। हल्का सा मारो, तमीज से मारो यार। इससे हल्का क्या मारूंगा? मैं हार और तुम जो मर्जी रख लो, मैं हार। तू हार गई पहली। मैं यसु हूँ। यसु चलो ठीक है, वो भी कमी नहीं है। मैं हमेशा हार रखती थी। मैं भी हमेशा हार रखती हूँ। ना नीचे रखते हैं, तुम्हें तमीज नहीं। इसका हिसाब अब मैं लूंगा। हाथ लूं मुंह लूं? हम आते आते आ रहे हैं, वो पीछे से इशारे कर गया, काट दिया। अब तुम्हारा इसमें बचू। हाँ बहुत जूते पड़े हैं। तो वो एक टैग लाइन थी जूतों में, बहुत जूते पड़े। बचपन में तो बहुत पड़े, बचपन में पड़ती थी। जूते मैंने कभी नहीं मारे। जब आप कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने लगता है, मसाला डाल दो थोड़ा सा, मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर। चलो मैं चाट मसाला मार ले, कोई मसला ही कोई नहीं, जितना मारना मार। That was personal. जब थक जाएगी मुझे बता दे। अब्दुल्ला खेलो, क्या मेरे अपने हाथ में दर्द है? उसको बचाओ अपने आप को। ये वाला भी लाल हो गया, बहुत ज्यादा लाल। ये सुनिए कबूतर बहुत चले। जब तक ये व्हाइट नहीं होते तब तक मारूंगा आज। चलो हाँ, ये अब तेरी फनकारी है कि तू कितनी जल्दी वो कर सकती है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ग्लव्स दे दे मुझे। चल चल नीचे होके बैठो पहले। नहीं नहीं ना, ऐसे ही बैठ खड़ा ऐसे खड़ा हुआ है शिकार को दबोचने के लिए। बैठो नीचे, बैठो
जैसे मैं बैठ के मारता ना वैसे मारना। मैंने मसाला नहीं डालना। साइड में नहीं कर सकती मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने इतनी जोर से नहीं उसको भी लगेगा तो इसका मतलब तुझे मारे ना दो खा ले हल्की सी हल्की सी उसके बाद कुछ हाथ हाथ यहाँ सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल यहाँ सेंटर में रख इतना जल्दी जल्दी नहीं करते मैं ऐसे अगर मिस हो भी गई मैं तो उसको मानूंगा ही नहीं मैं नहीं चलो ना जब तक चपेट आएगी नहीं तब तक हाथ नहीं है चल हाथ हाथ हटा दो मारूंगा का क्या मतलब दो ही मारूंगा हाथ हटा हाथ डाल मेरे से ज्यादा लाल बहुत काला हो गया क्या लगा नहीं और इस हाथ इस हाथ में लगा हाथ में लगा ऐसे ऐसे नहीं होता अब अपने को खुद गुस्सा दिल में गिरा जाए चपेटे मारी मेरे भी चल आ जाओ हो गया चल चल Time is over. मैंने कहा कज्जू इसको मुझे भी छुट्टी कर मैं भी चले आए लेट जा अब तू अब तू लेट जा मालूम है तमीज से फिर तमीज से अरे अब्दुल्ला मामा जी कितने दो से मारो मैं यहाँ पे तमीज यहाँ पे हाँ तो सही रख रेड हो गया सही रख तूने कौन कह रहा है कि रोटी पका चल मैंने कट दिया था ना नहीं कर दिया था ना मम्मा मैंने लिटरली ऐसे कर अच्छा मतलब इसने हटा दी और मैंने उसके बाल इसके हाथ में मारे लिपस्टिक लगानी पड़ी रेड नहीं हुआ नजर नहीं आया चुप करो बदतमीज हां रामा जी हां मम्मा ये देखिए रेड नहीं हुआ बोला ऐसा समा मम्मा ऐसे तेज जोर से मारा है सुए से तेज जोर मैंने एक भी नहीं मारा इसको चुप कर जा तूने एक ही साथ पैसा निकाल लिया इसकी खेलने से पहले सोचा मम्मा आविष्कार तेल लगा रही मम्मा को नहीं मनाना बेटा आपने मम्मा आराम से रोने दो मम्मा को आप वो एक साइड पे जाके बैठ बल के आओ चल रंग यार बहुत शुक्र लगा लिया हमने बहुत मार खा ली मैंने और अब हम लोग जा रहे हैं घर और अजियानो को मैं आपको दिखाऊं क्या कर रही फुल ऑन मुंह में उसने हाथ वो तुम्हें भी कह रहा है कि अपने काम से काम रखो तुम चुप करो तुम देखो तुम्हारे बेटे को गंदी आते पड़ी है मुंह में उंगलियां डाल रहा है देखो जरा अपनी उंगली दिखा दो चूसती थी दोनों ये तो उंगली चूसती थी मेरी वही दो अब बिल्कुल ठीक है सही सलामत उंगलियां मेरी अब बाय बाय बेब बाय बेब बाय बाय विदा ने अपने हाथ में गाड़ी की चाबी ऐसे पकड़ी हुई है जैसे इसी चला के जानी है बाय यार मैं अब ड्राइव करूंगी और आपसे मुलाकात होती है